नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज चैनल। आज हमारे साथ हैं सूरज जी। सूरज जी जो हमेशा से ही बहुजन समाज की आवाज को उठाते रहे हैं, बसपा की आवाज को उठाते रहे हैं। सूरज जी, आपकी बहुत सारी वीडियोस में देखने में आता है कि आप बहन कुमारी मायावती की बात करते हैं। आप कहते हैं देश के अंदर मायावती जरूरी है, क्यों जरूरी है बसपा मायावती, वो बताएं। सबसे पहले आपको जय भीम और पूरे देश के युवाओं को और आपके दर्शकों को जय भीम। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे इतिहासकारों ने और हमारे दादाजी, चूँकि हमारे पूरे पुरखे बसपा के समर्थक रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है, मैं कहूँ न कहूँ फैक्ट यही है। तो हमारे दादाजी अक्सर कहते रहते थे कि आप जो हैं मायावती से असहमत हो सकते हैं या उससे सहमत हो सकते हैं, लेकिन मायावती को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। चूँकि बहन जी से बहुत उम्रदराज हुआ करते थे हमारे दादाजी, तो उनकी बात जो है यकीनन बहुत वाजिब है कि आप बहन जी से असहमत हो सकते हैं लेकिन उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और हम ही नहीं बल्कि इस देश की पूरी सियासत उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकती, चाहे उनका 10 सीट हो चाहे उनका 0 सीट हो। 21 साल की उम्र से जब बहन जी संघर्ष की पड़ाव पर अपने आप को स्थापित करती हैं, उस दौर में जब लोग जो है बोलना नहीं जानते थे, जब हमारे समाज के महिलाएं, तो क्या पुरुष जो है गांव का प्रधान ही क्या, घर के मालिक होने के बाद चार बार सोचते थे, महिलाएं घर की मालकिन नहीं हो सकती थी। उस दौर में बहन जी चार बार मुख्यमंत्री बनती हैं और उन्होंने अपनी शासन के द्वारा दिखाया कि गौतम बुद्ध के बाद अगर इस मुल्क में कोई ऐसा पैदा हुआ है जिसने इस मुल्क में सांस्कृतिक विरासत पैदा किया हो और हमारे पुरखों की पहचान को स्थापित किया हो, तो बहन जी हैं। बहन जी के शासनकाल में जब कानून व्यवस्था की हम बात करें तो लोग जो है, मैं खुद मतलब इसका गवाह रहा हूँ, मैं बहुत छोटा हुआ करता था, जब मेरे साथ कुछ जाति उत्पीड़न हुआ था तो हम लोग थाने में जाते हैं तो दरोगा अपने आप खड़ा हो जाता था, चूँकि उनको पता था कि इसके साथ अगर जाति उत्पीड़न हुआ है तो, और इनके मामले को अगर हम दर्ज नहीं करेंगे तो मामला जो है बड़ा हो जाएगा और एक मोमेंट का रूप ले लेगा। यकीनन बहन जी का मोमेंट, साहब कांसीराम का मोमेंट हमें आंदोलित किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने जो है बसपा की वजह से बोलना सीखा है। यकीनन बसपा केवल एक पार्टी नहीं, बहन जी केवल एक पार्टी नहीं बल्कि करोड़ों की आवाज़ हुआ करती थी और हैं और हमेशा रहेंगी। वो आप सत्ता से हर चीज़ डिसाइड नहीं करती हैं, सत्ता 5 साल के लिए होती हैं, आती हैं और जाती हैं, लेकिन बहन जी का आंदोलन हम सभी के लिए एक स्वागत योग्य है और हम सब उसको हमेशा से सीखे हुए हैं। आज जो तमाम आवाज़ उठ रहे हैं बहन जी के खिलाफ, यकीनन में जब अगर वो आवाज़ उठ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बसपा के उन पदाधिकारी को, जो केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं उनको जो है, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं और जो सेक्टर स्तर के कार्यकर्ता, उनको तवज्जो देना पड़ेगा। हमारे आदरणीय बहन जी को भी यह उनका फ़र्ज बनता है कि जो तमाम नए नए चेहरे हैं, जो आंदोलित होते हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो सड़क पर शहादत दे रहे हैं, उनके परिवार से मिलना जुलना पड़ेगा। अगर बहन जी इस मुल्क की सबसे बड़ी नेता हैं, बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता हैं, तो बहन जी को भी अपने सबसे बड़े होने के नाते, उम्रदराज होने के नाते, अनुभव में सबसे अधिक होने के नाते, उनको अपना बड़े होने के बड़प्पन का परिचय देना पड़ेगा और बहुजन समाज के तमाम नेताओं को जो वास्तव में लड़ाई लड़ रहे हैं उनको बुलाना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म पर कि आप आओ, आप ये जिम्मेदारी करो, आप ये जिम्मेदारी दो बहन जी को। बहन जी अगर बुलाएंगी तो यकीनन मैं खुद अपनी बात करूँ, मैं कई बार ऐसा होता है कि मतलब बहन जी की नीतियों के मैं खिलाफ होता हूँ, कई बार ऐसा होता है जब चाहे 10% सवर्ण आरक्षण का मामला रहा हो या कुछ और, लेकिन अगर आज बहन जी मतलब हमारे लोगों को जब बुलाती हैं, उनसे बात करती हैं, या हमारे और भी जो नेता हैं, जो नए नए राजनेता हैं जो सुबह शाम बहन जी को गाली देते हैं, अगर बहन जी उनको बुला के बात करती हैं, मुझे नहीं लगता किसी कितनी औकात होगी और किसी कितनी हिम्मत है संख्या बल के आधार पे, औकात मतलब उनके अन्य किसी ने संख्या बल के आधार पे जो बहन जी के सामने टिक पाएंगे, तो बहन जी की बात वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो बहन जी को यह सिद्ध भी करना होगा कि हमारा बहुजन समाज संगठित हो चुका है, वो चाहे कोई भी मोमेंट रहा हो, जैसे 19 अगस्त का जो मोमेंट था बसपा का पूरा समर्थक था, पंजाब बंद का जो मोमेंट था उसमें बसपा का पूरा समर्थक था, 21 अगस्त वाले मोमेंट में भी बसपा का पूरा समर्थन था और देश के भीम आर्मी समेत तमाम सामाजिक संगठनों का समर्थन था। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहन जी अपने बड़प्पन का परिचय दें, सारे नेताओं को बुलाएं और उनको आदेशित करें, उनको जिम्मेदारी दें, आप यहाँ पर काम करें। और हम राजनीतिक रूप से अनाथ नहीं हुए हैं, हमारे नेता अभी भी हैं, हम आदरणीय बहन जी हैं और हमारे सारे नेता हैं, राजनीतिक रूप से हम अनाथ कभी नहीं हो सकते हैं, चूँकि बसपा हमारे पुरखों की विरासत है और पुरखों ही नहीं बल्कि 6000 साल का जो संघर्ष है उस विचारधारा की एक विरासत है। जब भी बहुजन समाज पार्टी का नाम लिया जाता, मैं खुद अपनी बात बताऊं, मैं कहीं भी जाता हूं, ट्रेन में अगर बैठा हूं, अगर कोई मैं बाबा साहब के बारे में बात कर रहा हूं तो कोई आके कहेगा बसपा के हो,
वो हमसे ये नहीं पूछता है, ये नीलागम से नहीं पूछता कि सामाजिक संगठन में हो। अच्छा, वहाँ पर आपको बगैर सोचे समझे यही जवाब देना पड़ेगा, हाँ मैं बसपा का हूँ, हाँ मैं बहुजन समाज पार्टी का हूँ। बहुजन समाज पार्टी मतलब हाँ मैं बहुजन विचारधारा का हूँ। तो बहुजन समाज पार्टी हम सबके खून में है, हम सबके रंग में है। शुरू में जो मैंने बात कहा कि आप उससे असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, पर उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो न बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन को, न बहन जी के आंदोलन को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हम सबके लिए बहन जी हमेशा अनुकरणीय रही हैं और हमेशा आदर्श रही हैं। रही बात कि अगर हम सब कभी क्या नाम है कि कुछ ऐसा लिखते हैं जो लोगों को समझ में आता है कि बसपा के खिलाफ होता है, यकीनन बसपा के खिलाफ कभी नहीं होता है। हम सभी बसपा के चिंतक रहे हैं। अब हमारी जितनी उम्र है, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि हमारी जितनी उम्र है, हम सभी बसपा के चिंतक रहे हैं और बसपा के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया इसी जौनपुर में, इसी लोकसभा चुनाव के बाद मल्हनी कांड में, मल्हनी नामक गाँव में जौनपुर जिले में एक बंदे को मारा गया था, एक बंदे ने चार बंदे को मारा गया था। एक परिवार को सबसे ज़्यादा चोट आई हुई थी, उसका गुनाह सिर्फ इसलिए था उसने बसपा को वोट दिया हुआ था। उसके लिए मैंने खुद संघर्ष किया और अभी भी मैं वहाँ पे SC ST एक्ट लगाया, धारा 325 लगवाया, उसके साथ जो ब्रेन हैमरेज हुआ है वो सारी धाराएँ लगा करके उनको हॉस्पिटलाइज किया, उनको उपचार कराया। और मैंने खुद जो है मल्हनी जो थाना है वहाँ पर हमने थाना जाम किया हुआ था, जौनपुर ज़िले में SP ऑफिस लॉक किया हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि बसपा में हमारा जुड़ाव नहीं है, बसपा हम लोगों का खून है, बहुजन समाज पार्टी हम लोगों का खून है। हमारी जितनी अपनी बौद्धिक समझ है हम उस हिसाब से काम करते हैं। और रही बात अगर हमारे में कुछ कमी है तो ये बहन जी का भी फर्ज बनेगा कि हम सभी को कैडराइज्ड करें, उसके बाद मोमेंट में लाएं। बस इतना ही। आपने कैडर की बात करी, कहते हैं कि बहुजन समाज की जान है, इंजेक्शन का काम करता है कैडर, तो कैडर में अगर आजकल जो है काफी हद तक कैडर भी खत्म होते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल यही वजह है, जब कैडर खत्म हो रहा है तो बहुजनों का या बहुजन समाज के लोगों का दिशा तय नहीं होता। सपोज के लिए मैं बात बहूँ, जब बहन जी ने 10% सवाल आरक्षण का समर्थन किया था तो मैं खुद उसका विरोध किया था जी। मैं आपके माइक के सामने बोल रहा हूँ, मैंने खुद उसका विरोध किया हुआ था और तमाम लोगों ने विरोध किया, बसपा के तमाम लोगों ने भी विरोध किया। लेकिन जब बहन जी ने इसी कुछ ही देर करीब एक महीना पहले बहन जी ने कहा कि लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए, तब इसी बसपा के लोग इस बात को नहीं रख पाए कि बहन जी ने यह भी कहा आबादी के हिसाब से, मतलब 90% बहुजन आरक्षण का समर्थन किया, तो हमारे लोग नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कैडर नहीं थी, वो कैडराइज नहीं है, कैडराइज समझ नहीं है। अगर कोई बहुजन समाज पार्टी पे थोड़ा सा उसके खिलाफ लिखता है तो जो अनकैडराइज लोग होते हैं वो तुरंत गाली गलौज पर आ जाते हैं। तो इससे मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी का हनन होता है। बहुजन समाज पार्टी के विरोध का अपना एक शैली रहा है, उसको बरकरार रखना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी कैडर की तरफ लौटे, बहुजन समाज पार्टी जब कैडर की तरफ लौटेगी मुझे नहीं लगता कि सत्ता से कोई इसे दूर कर पाएगा जी। आपसे हमारे साथ सूरज जी, जिन्होंने हमें बताया कि बहुजन मूवमेंट इतना बड़ा मूवमेंट है कि अगर बहुजन मूवमेंट की विचारधाराओं को, उनको कैडर को आगे बढ़ा दिया तो देश के अंदर कोई ताकत नहीं है जो मायावती की सरकार बनने से रोक सके। आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए धन्यवाद सर जी, शुक्रिया। जब अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।